मोदी सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। देश भर के 400 जिलों में मोदी सरकार लोन मेला लगाने जा रही है। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री सीतारमन ने किया है। We have decided that in 200 districts of the country, between now and the 29th of September, there shall be a gathering which the banks will have of the NBFCs with whom they've tied up and given liquidity, and retail customers of the bank or newer retail customers of the bank all coming together in an open, in the sense in a public place, in a, under a shamiana hopefully, where it'll be available for people to see that the banks are giving the NBFCs and the NBFCs are before them. They're going to sit and invite anybody who wants to deal with them. कारोबार वृद्धि के लिहाज से इच्छुक लोगों को कर्ज लेने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ये लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। छोटे और मंझोले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे मार्च 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मंझोले उपक्रमों के दबाव वाले कर्ज को NPA घोषित ना करें। इसके अलावा बैंकों से MSME के कर्ज के पुनर्गठन पर भी काम करने को कहा है। बैंक कर्ज देने के इरादे से 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में NBFC और खुदरा कर्जदारों के साथ बैठक करेंगे। दूसरे चरण में 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 200 अन्य जिलों में ऐसी बैठकें होंगी। जाहिर है इस लोन मेला के जरिए मोदी सरकार का मकसद छोटे और मंझोले कारोबारियों का उत्साह और देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाना है।